अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज़ अकरम मुखातिब हूँ। दोस्तों ये आप, आज भी मैं टमाटर पे काम कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हो कि ये जो टमाटर हैं, ये सब मैंने जो टमाटर के अंदर एक्स्ट्रा ब्रांच निकलती हैं उनसे उठाया है मैंने और इसको यहाँ पे ग्रो किया मैंने। ये कटिंग है, सब ये कटिंग लगाई है। बहुत अच्छी नस्ल की लंबी बेलें होती हैं इसकी, और ये आप देखें कि कटिंग कितनी बड़ी हो गई है और अभी जो है इनको फूल लगेंगे। और इसी तरह से मैं ये भी तैयारी मैंने की हुई है। ये आप देख सकते हो कि मैंने ये जो कटिंग लगाई थी, अभी ये किचन गार्डनिंग के लिए मैं आपको ये देखें साहब, इसकी जड़ें निकल आई है। ये कटिंग है और ये मैं यहाँ पर अभी इसको लगाता हूँ। लगा के ये किचन गार्डनिंग का काम है सारा। आप दोस्तों को बताता चलूं कि ये जो कटिंग लगाएंगे इनमें बहुत जल्दी जो है वो निकल आते हैं इसमें पौधे, और इसके पौधे बहुत जल्दी यानी काम करते हैं और इसकी फल भी जल्दी लगता है, क्योंकि ये एक फलदार पौधे के होते हैं। तो फिर यहाँ से मैं इनको, ये देखें इनकी बेलें होती हैं, ये बहुत बड़ी बेलें हो जाती हैं। बेलों के लिए फिर आप कहीं से कहीं इनको, इनके ऊपर धागा या कोई चीज़ बांध के आप इनको लगाएंगे। ये बिल्कुल तैयार पौधे हैं ये, और अभी भी चूँकि इनका 2-3 महीने जो दिसंबर तक ये जो चीज़ होती है ये फैलने वाले होते हैं, ये ज़ाया नहीं होते। कटिंग से आप पौधे बना सकते हो घर में अच्छे से। अच्छा जो टमाटर होता है उसकी आप कटिंग लगाएं तो उससे ये पौधा बनेगा। तो आप दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आप घरों में किचन गार्डनिंग में आप मेहनत करें, आपको इसका फल ज़रूर मिलता है। ये नामुमकिन बात है कि आप मेहनत करेंगे तो इसका अजर आपको या फल नहीं मिलेगा आपको। आप इस पे ऊपर मेहनत, जितनी मेहनत करेंगे इतना आपको इसका फल मिलेगा। और ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो ज़ाया हो, इनमें सब में जो आप मेहनत करेंगे तो ये इस तरह के पौधे बन जाएंगे। ये 2 हफ्ते की बात है, सिर्फ 2 हफ्ते से ये इसके जो है ना ये पौधे बने हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास ज़मीनें हों और बहुत सारी ज़मीन हो तो फिर आप इसको टमाटर जो है ग्रो करें और फिर इससे फ़ायदा उठाएं। इसके लिए किसी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। ये सारा बाग छोटा छोटा मैंने देखे आप लगाया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं और यही यहीं से कटिंग वगैरह लगा के मैंने इसको बढ़ाया है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो इस तरह के बाग से भी आप जो है वो इन चीज़ों का फल उठा सकते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें जो है वो मेहनत की होती हैं। अभी इनके अंदर आप देखेंगे थोड़ी सी मिट्टी कम है, तो मैं इसके अंदर ये जो मिट्टी मेरी ऐसी किस्म की मिट्टी होती है, ये मैं मिट्टी इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि इसकी गोडी भी हो जाती है और फिर ये अगर पौधे को बढ़ने में बहुत सहूलत मिलती है तो ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसी तरह से आप अपने घरों में, किचन में, कहीं भी आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके लिए किसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और जो लोग इस तरह की मेहनत करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और बहुत सारी बीमारियों से भी आप बचे रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में टेम्परेचर का भी मसला है, ग्लोबल वार्मिंग है, और उसके लिए आपको अपनी ज़मीनों की तैयारी करनी है। अपने घर से किचन गार्डनिंग करके आप अपनी काफ़ी हद तक जो है मुश्किलात आसान कर सकते हैं, और उन प्यारों की मुश्किलात जो परदेश काट रहे हैं उनके लिए भी आप जो हेल्प कर रहे हैं, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। तो आखिर में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।